बहुत से लोगों के कल से सवालात थे कि क्या रोम एम्बेसी ने अपना काम शुरू कर दिया है। जब से कोरोना वायरस के बाद 4 मई को रोम एम्बेसी खुली थी, तब से रोम एम्बेसी सिर्फ ऑपरेट कर रही थी उन लोगों को जिनका तल्लक प्रोविंस या फिर रीजन ऑफ लाजियो था या रोम की सिटी से, मोस्टली लोगों को वो ऑपरेट कर रही थी। जिनके पास रोम का एड्रेस होता था उसको सिर्फ ऑपरेट कर रही थी। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि कल की मीटिंग के बाद रोम एम्बेसी ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है इटली के सारे रीजन्स को। किसी भी रीजन्स का बंदा जो है अब वो जा सकता है। वो रीजन जो लगते हैं कॉन्सुलेट मिलान के साथ, वो कॉन्सुलेट के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, वहाँ पे जाएंगे। और वो रीजन्स जो लगते हैं रोम के साथ, एम्बेसी के साथ, तो उनके लिए खुशखबरी है कि वो अब जा सकते हैं, एम्बेसी ऑपरेट कर रही है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर साथ लेके जाएं। अगर आपने पासपोर्ट वगैरह अप्लाई करना है, एफिडेविट वगैरह बनाना है या कोई भी आपको जो ज़रूरी काम है उसके मुतलका, आप डॉक्यूमेंट अपने साथ प्रॉपर लेके जाएं ताहीर से बचने के लिए। और वहाँ पे जो अमला है उससे, लड़ाई झगड़े से बचने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाएं, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स की, जो जो बनवाने के लिए। अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो आपके पास आईडी कार्ड और पासपोर्ट की पुरानी कॉपी या फिर पासपोर्ट पहला होना चाहिए। तो अगर आपको पासपोर्ट पहली दफ़ा बनवाना है तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, वालद वालदा का आईडी कार्ड, और अगर बे फॉर्म है तो बे फॉर्म आईडी कार्ड आपको लेके जाना ज़रूरी होगा। वहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले आपको आईडी कार्ड बनवा के लेके जाना पड़ेगा। तो अगर आप पहली दफ़ा आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, पासपोर्ट नहीं था आपके पास, आप 18 साल से कम उम्र में आए थे, तो उसके लिए पहले आपको करना पड़ेगा आईडी कार्ड अप्लाई। ऑनलाइन आईडी कार्ड अप्लाई करने के बाद आपको एक आती है ईमेल नादरा की तरफ से कि आप जो है वो पासपोर्ट आपके पास नहीं है, उसका सबूत दें, एफिडेविट लेके एम्बेसी से। तो वो उस एफिडेविट के लिए भी आपको चाहिए होगा आपके फादर का आईडी कार्ड, मदर का आईडी कार्ड और साथ आपका बे फॉर्म या बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह। तो साथ वो डॉक्यूमेंट जो ईमेल जो उन्होंने भेजी थी नादरा वालों ने, जहाँ से आपने अप्लाई किया, उस बंदे की ईमेल में आ जाएगा, वो प्रिंट भी साथ लेके जाना है। और साथ वो रिचिबूते भी जो आपने आईडी कार्ड अप्लाई किया था उसके रिचिबूते भी लेके जाने हैं, तब ही आप जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और दिक्कत से बच सकते हैं। तो ये तो थी आज की इंफॉर्मेशन, मैंने सोचा आप तक पहुँचा दूँ। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।